देखो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एक क्वेश्चन था, आपकी आखिरी शीट थी, जिसके अंदर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है, जिसमें सपोज करो आपके पास एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, तो करंट पास हो रहा है और करंट इसमें कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग है। अगर करंट इसमें इंक्रीजिंग है और कैसे इंक्रीज हो रहा है, डी आई बाई डी टी 3 एम्पियर पर सेकेंड, तो 3 एम्पियर का करंट है एक सेकेंड में इंक्रीज हो रहा है, और किसी भी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू इसमें कितनी है, 1 एम्पियर है, तो इस इंस्टेंट पे करंट कितना है, 1 एम्पियर है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी में, तो ए और बी में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमने कैसे स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट करना है करंट की डायरेक्शन में, कैसे वी ए माइनस आई इंटू फोर, वी ए माइनस आई इंटू फोर, और इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना, वी बी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब दो चीज़ें हैं, करंट की वैल्यू इस इंस्टेंट पर कितनी है, 1 एम्पियर, तो आई की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 1 एम्पियर। डी आई बाई डी टी की वैल्यू 3 एम्पियर पर सेकेंड है, तो अगर तो करंट इंक्रीज हो रहा है फिर तो आप इस फॉर्मूले में डी आई बाई डी टी में प्लस 3 पुट करोगे, डी आई बाई डी टी प्लस 3, और अगर आपका करंट क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, डिक्रीज हो रहा है, तो जहाँ जहाँ डी आई बाई डी टी है वहाँ पर माइनस 3 पुट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो डी आई बाई डी टी की जगह अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीज हो रहा है तो डी आई बाई डी टी प्लस 3, और अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी माइनस 3। कोई डाउट इसमें? ठीक। दूसरी चीज़, इसके अंदर इस शीट के बाद, ठीक है, ये एक क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मर का, जो काफ़ी लोग मेरे से डाउट पूछ रहे थे कि क्वेश्चन कैसे करना है, ये आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का कुछ ऐसा है कि एक स्मॉल टाउन है, एक छोटा सा टाउन है, एंड विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट, तो यहाँ पर पावर रिक्वायर्ड कितनी है, 800 किलोवाट, 800 × 10³ पावर रिक्वायर्ड है। एट 220 वोल्ट, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है वोल्टेज की, 220 वोल्ट पे रिक्वायर्ड है, सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो जहाँ पर बिजली बन रही है उससे 15 किलोमीटर दूर ये टाउन है। आगे जनरेटिंग पावर एट 440, वो तो बिजली बन रही है वो 440 वोल्ट पे बन रही है। रेजिस्टेंस ऑफ टू लाइन वायर कैरिंग पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर, तो एक किलोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 0.5 ओम है। तो 15 किलोमीटर वायर एक है, 15 किलोमीटर दूसरी वायर है, टोटल वर्क की लेंथ कितनी है वायर की, 2 × 15 = 30 किलोमीटर, को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 15 ओम की टोटल रेजिस्टेंस है। आगे टाउन गेट्स पावर फ्रॉम अ लाइन थ्रू 4000 to 230 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो टाउन को जो बिजली मिल रही है वो एक ट्रांसफॉर्मर से मिल रही है 4000 to 230 वोल्ट, तो 4000 वोल्ट पे बिजली आ रही है और 230 पे आगे टाउन को मिल रही है, लेकिन लोगों को चाहिए 220, वो इसलिए क्योंकि घरों तक वायर भी जाएगी, 10 वोल्ट खराब भी होने वाले हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग आपको गिवन है स्टेप डाउन। अब वो क्या कह रहे हैं, एस्टीमेट लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इस बिजली की फॉर्म में ही पावर लॉस कितने हैं यहाँ पे, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई एज्यूमिंग देर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज, कह रहे ये पावर प्लांट कितनी पावर सप्लाई करे, और लास्ट है कि सबको पता है कि ये 4000 वोल्ट पे बिजली आ रही है और दे इसको 230 पे रही है, लेकिन बिजली बंद कितने में रही है, 440 पे, 440 से 4000 कैसे हो गया, इसका मतलब पावर प्लांट पे भी क्या लगा होगा, एक ट्रांसफार्मर, इसलिए बोल रहा है कि बताओ ये ट्रांसफार्मर जो प्लांट पे लगा उसकी रेटिंग क्या है, ये सब कुछ बताना है। अब क्योंकि ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, आउटपुट पावर है 800 × 10³, तो इसकी इनपुट पावर भी क्या होनी चाहिए, 800 × 10³, तो इसकी इनपुट पावर है 800 × 10³, और इनपुट वोल्टेज कितनी है, 4000 वोल्ट, तो इनपुट वोल्टेज 4000 वोल्ट है, पावर ई इंटू आई है, पावर आपको गिवन है, वोल्टेज आपको पता है, तो वायर में करंट आ गया कितना, 200 एम्पियर, तो यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, 200 एम्पियर, तो यहाँ का करंट अगर 200 एम्पियर है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 15, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने रास्ते में, 200 × 15 कितना, 3000 वोल्ट तो वायर्स में खराब हो जाएगा एज अ वोल्ट्स। क्लियर है यहाँ तक?
तो 3000 वोल्ट क्या हो जाएगा, बीच में रास्ते में डेवलप हो जाएगा। तो अगर 3000 वोल्ट रास्ते में डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर बिजली बन रही है 440 वोल्ट पे, इसको मिल कितने पे रही है, 4000 पे, 3000 खराब भी हो रही है, तो ये ट्रांसफार्मर आउटपुट कितना देगा, 7000। 7000 क्यों, 3000 खराब करेगा, 4000 इसको देगा, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर 440 से 7000 वोल्ट का लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे, इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, 4000, वायर में आई इन टू आर पोटेंशियल ड्रॉप कितने हैं, 3000, तो पीछे से कितना आएगा, 7000, 7000 में 3000 खराब, 4000 ट्रांसफार्मर ले गया। क्लियर है यहाँ तक? तो एक आंसर आ गया ट्रांसफार्मर का। दूसरा, रास्ते में पावर लॉस कितने हैं, पावर लॉस क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर, आई कितने हैं, 200 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितनी है, 15, तो आई स्क्वायर आर से 600 किलोवाट का पावर का लॉस रहेगा रास्ते में। आंसर तो कैसे डिजाइनिंग करेंगे, पॉइंट समझ में आ रहे हैं, कैसे डिजाइन होगा इसमें, ठीक है यहाँ तक? ओके।